फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन के आज के टॉपिक में हम एक नया टॉपिक करेंगे, एक्सपेंडिंग द मल्टीप्लिकेंट टू फाइंड द प्रोडक्ट। जो मल्टीप्लिकेंट मैंने आपको बताया था, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास टू टर्म्स होती हैं, मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर। फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई से जो हमारा आंसर आता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो मल्टीप्लिकेंट जो हमारा बड़ा नंबर होता है उसे एक्सपेंड करके हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है 494 की 4 से। तो अब हमें क्या करना होता है, ये जो मेरा मल्टीप्लिकेंट है मुझे इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का टॉपिक हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि हर नंबर को उसके प्लेसेस के साथ लिखना। तो अब इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब देखो, 4 कौन से प्लेस पे, 100, तो 400, 9 टेंस प्लेस पे 90 और 4 वंस प्लेस पे 4, इनके बीच में किसके साइन है, एक्सपेंड में हमेशा प्लस के साइन आते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया और बाहर जो हमारा रह गया था मल्टीप्लाई 4, वो मल्टीप्लाई 4 ऐसे ही करके लिखा। अब हमने क्या करना है, जितने भी नंबर हमारे यहाँ एक्सपेंड में हैं उन सब की इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करके दिखाना है। जैसे 400 मल्टीप्लाई 4 हमने ब्रैकेट में लिख दिया, फिर प्लस का साइन आया, 90 मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर प्लस का साइन आया, 4 मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट में लिखेंगे। ये जो दो साइंस इसमें चलते हैं इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखो, एक्सपेंड में हमेशा प्लस का साइन यूज़ होता है, तो आपने प्लस करना है, बाहर आपके मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसलिए जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अंदर मल्टीप्लाई शो हो रहा है, लेकिन फिर उसके साथ ये प्लस वाला साइन आएगा। ये एक टर्म सोल्व हो गई, प्लस सेकेंड टर्म 90 वाली, प्लस थर्ड टर्म। अब हमने यहीं के यहीं इनकी मल्टीप्लाई करके दिखानी। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 1600 प्लस 360 प्लस 16। अब आप चाहे तो इन्हें ऐसे वर्टिकली लिख के कॉलम में लिख के भी ऐड करके देख सकते हैं, वैसे नहीं तो अब तक तो आपका कैलकुलेशन थोड़ी शार्प हो जानी चाहिए। और यहीं के यहीं हॉरिजॉन्टिकली इनको प्लस करो। जैसे वंस प्लेस पे 6 है, यहाँ पे 0 है, 0 है तो क्या आएगा, 6। टेंस प्लेस पे 1 है, यहाँ पे क्या है, 6, 6 और 1 7, और यहाँ क्या है, 0, तो 7 आ गया। अब 100 प्लेस पे 3 है, यहाँ 6 है, तो 6 प्लस 3 9, और यहाँ 1000 प्लेस का 1। तो इनको ऐसे सोल्व करना है। अब ये मैंने और भी सम दिए आपको, एक्सपेंड द मल्टीप्लिकेंट्स एंड फाइंड द प्रोडक्ट। ये देखो, ये नंबर है सेम, इसी तरह किया, अलग अलग इनकी मल्टीप्लाई दिखाई, बीच में प्लस का साइन दिखाया। अब इनको ऐसे लिख के भी आप प्लस करके देख सकते हैं या हॉरिजॉन्टिकली प्लस कर सकते हैं। तो इससे प्रैक्टिस कीजिए दोनों तरह से करने की, क्योंकि हॉरिजॉन्टिकली करने से हमारी कैलकुलेशन शार्प होती है, लेकिन आप एक आधी बार ऐसे भी करके देखिए कि आपका आंसर सही आया या नहीं। नेक्स्ट भी सेम इसी तरह, और ये देखो सी, ये मैंने एक प्लेस और बढ़ा के दिया है, 3285 को 5 से। बिल्कुल सेम उसी तरह एक्सपेंड कीजिए, 3000 प्लस 200 प्लस 80 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5, बाकी सारा सेम उसी तरह से। और इन्हें आप वर्टिकली लिख के ऐड भी कर सकते हैं। तो इन सम्स की प्रैक्टिस कीजिए, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आपके पेपर में, जब भी आपका पेपर होगा टेस्ट में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्सपेंड करके मल्टीप्लिकेशन निकालना। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इनकी।